नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंफ्रार्थ में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ये कुर्सी रोड पे लगता है और एरिया जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज के बगल में है। बात करें अगर यहाँ पे मकान की तो 1000 स्क्वायर फीट, 1050 और 1150 स्क्वायर फीट में मकान यहाँ पर उपलब्ध है। ये जो आज हम आपको मकान दिखा रहे हैं ये 1150 स्क्वायर फीट का मकान है, पूरा फेस का मकान है, सैंपल के तौर पर रेडी है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी अगर बात करें लंबाई चौड़ाई की तो 23x50 इसकी लंबाई चौड़ाई है। सामने फ्रंट पर आपको 25 फीट की आपको रोड मिल जाएगी, रोड बन रही है, जब आप आएंगे विजिट करने तो ये चीज़ें आप देखेंगे। तो आइए चल के हम आपको अंदर से मकान दिखाते हैं किस तरह से इसमें डिजाइन किया गया है। साथियों, ये मकान 23x50 है, इसलिए इसमें आपको जो कार पार्किंग की यहाँ पे सुविधा है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर आपकी इनोवा या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी भी आप यहाँ पे आराम से आप पार्क कर सकते हैं। नीचे आप इन्वर्टर वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। जो आप मीटर वगैरह इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे बॉक्स लगाएगा, मीटर आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ आपको बता दूँ ये जो मकान है इसमें कस्टमर ने अपनी चॉइस से इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया है। जब ये मकान बन रहा था उस समय ये अंडर कंस्ट्रक्शन इसकी बुकिंग हुई थी, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रंट में दरवाजा नहीं है, ये जो गेस्ट रूम है इसी से दरवाजा है। इसी के साथ यहाँ पे स्कूटी या बाइक हम पार्क कर सकते हैं। कस्टमर की डिमांड रही है कि उसे सामने से दरवाजा ना देके उसको ड्राइंग रूम में एक यहां से दिया जाए और दूसरा दरवाजा इस लोकेशन से दिया जाए। अब इसमें अगर सामान की अगर हम रखने की बात करें, क्योंकि जब हम किसी घर में रहने जाते हैं तो हमारे पास जो सामान होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है उस दरवाजे से भी जा सकती है, इस दरवाजे भी जा सकती है। कमरों की चौड़ाई के साथ साथ यहाँ पे दरवाजों की भी चौड़ाई दी गई है और जितने भी दरवाजे आपको मिलेंगे सब आपको 9 फीट के मिलेंगे, जिससे कि बिलक में जो आपको जो लुक आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो आइए चल के हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें जो लॉक वगैरह लगा है वो काफी ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। MCB बॉक्स आपका ऊपर लगा हुआ है, ऊपर जो है इसमें LED लाइट से काफी अच्छा काम किया गया है। अभी जो पेंटिंग है अभी आपको प्लेन पेंट मिल रहा है, ये कुछ ही दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, आप देखते हैं ये आपका गेस्ट रूम हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा बड़ा एरिया है आपको ये। इसमें जो दूसरा दरवाजा हमारा जो है कस्टमर का वो आपका ये हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें जितनी भी लाइटें अंदर जो लगाई गई हैं इन सबके स्विच आप यहां पर आप देख सकते हैं। पूरे कमरों का एक्सेस यहां से दिया गया है, ऊपर आप लाइट लगवा सकते हैं। हर रूम में आप जो जितने भी यहां पे दिया गए हैं सब में AC का पॉइंट दिया गया है, आप AC लगवा सकते हैं। अभी LED लाइट यहां पे इंस्टॉल नहीं हो पाई है और इधर अभी वॉलपेपर भी नहीं लग पाया है, बहुत जल्दी इसमें वॉलपेपर भी लग जाएगा। ऊपर जो इसमें कस्टमर ने अपनी चॉइस से गूगल से डाउनलोड करके इन्होंने डिजाइन दिया था, उनके अनुसार ये डिजाइन इसमें बना के उन्हें दिया गया है। ठीक, अगर बात
ठीक अगर इसके पीछे आते हैं, ये हमारा हॉल आ जाता है जहां पर आपकी 8 सीटर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी आराम से। इसकी अगर हम बात करें तो जितनी भी स्विचेस दिए गए हैं यहां पे दिए गए हैं, इसके जस्ट सामने हमारा ये मॉडुलर किचन आ जाता है। इसकी जो चॉइस रही है इसमें कलर को लेके कस्टमर की ही चॉइस रही है, जितनी भी चीजें इसमें लगाई गई हैं कस्टमर के अनुसार लगाई गई हैं, जैसा उन्होंने चाहा उस तरह से। आपका भी ऐसा मकान हो सकता है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप मकान अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका एक्सेस किया गया है। यहां पे चिमनी लगा के दी जाएगी सन फ्लेम की चिमनी, और जितनी भी इसमें चीजें लगाई जाएंगी वो ब्रांडेड सामान आपको लगा के दिए जाएंगे। दोस्तों अगर हम इस साइड में बात करें जो कि मकान बनाते समय हम लोग डिजाइन करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम डिजाइन करके देते हैं, इसमें भी वॉलपेपर पूरा लगाया जाएगा जिससे कि इसका लुक जो है काफी खूबसूरत आएगा। ऊपर अगर देखा जाए तो इसमें हमने काफी अच्छा इसमें काम किया है छत में, जितने भी रूम आपको यहां पे मिलेंगे सब में आपको ऊपर फॉल सीलिंग से आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। सेम ऐसी ही कुछ डिजाइनें हैं जो हमारा मॉडुलर किचन के ऊपर भी आता है, इसकी भी छत पे थोड़ा सा डिजाइन किया गया है। अभी लाइट मौके पे नहीं लग पाई है साथियों। इससे जैसे आए हैं तो एक बालकनी मिलती है, इसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, एक आपका कॉमन बेडरूम हो जाता है, दूसरा आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है। तो ये हमारा जो है ये हमारा कॉमन वॉशरूम दिया गया है जिसमें आपको इंडियन सीट या वेस्टर्न सीट आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी, और जो इसमें टाइल्स का वर्क हुआ है वो पूरा ऊपर तक 9 फीट तक आपका हुआ है छत तक। तो मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको दिखा दे। तो आइए सबसे पहले हम आपको मास्टर बेडरूम दिखा देते हैं साथियों। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो जाता है, आप देख सकते हैं इसमें भी चारों दीवारें जो है वो प्लेन रखी गई हैं। ऊपर जो है इसमें फॉल सीलिंग से काफी अच्छी तरह से इसमें काम किया गया है एलईडी लाइट के साथ, जो कि आप पैनल देख सकते हैं यहां तक इंस्टॉल है। आप इसी में आप टीवी आप फिटिंग आप करवा सकते हैं, चाहे तो आप इस साइड में आपको टीवी का पैनल भी बना के आपको दिया जाएगा। इसमें आपको एक विंडो आपको मिल जाएगी जिससे कि इस रूम में वेंटिलेशन बना रहे, इसके पीछे आपका ओटीएस आ जाएगा, और इसमें आपको एक वॉशरूम मिल जाता है जो कि काफी बड़े साइज में है, इसमें भी आपको जो है इंडियन या वेस्टर्न सीट लगा के दी जाएगी। साथियों जनरली तौर पे होता क्या है, जब भी कोई बिल्डर मकान बनाता है तो वो बाथरूम की जो टाइल्स होती है वो पूरी ना देके वो 7 फीट तक ही देते हैं, लेकिन यहां पर आपको जितने भी आपको मिलेंगे वॉशरूम उसमें आपको पूरा 10 फीट तक आपको टाइल्स का आपको काम करके दिया जाएगा। तो आइए हम इसमें दिखा देते हैं अपना दूसरा बेडरूम। ये हमारा दूसरा बेडरूम आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस आपको यहां पर मिल जाएगा। इस मकान का जो साइज है वो बड़ा था इसलिए इसमें बेडरूम काफी बड़े बड़े निकले हुए हैं। ऊपर जो है फॉल सीलिंग पे काफी अच्छी तरह यहां से डिजाइन किया गया है, जो भी अभी आपको बॉक्स खुले दिख रहे हैं इसमें ग्लास लगा के दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस साइड में जो आप एलईडी लाइट देख रहे हैं यहां पे आपको वॉलपेपर आपको लगाया जाएगा, कस्टमर की जैसी च्वाइस रहेगी वो अपने हिसाब से वॉलपेपर लगवा सकता है, नीचे की टाइल्स का कलर भी आप चेंज करवा सकते हैं। इस रूम में एक इसी के साथ जो आपका ये ओटीएस दिया गया है आप देख सकते हैं इसका जो एक्सेस है वो अगर आप देखेंगे इसमें आपके एक जाली लगी होती है, दो आपके वो लगे हुए हैं जिससे कि मॉस्किटो वगैरह अंदर ना आए। और रही बात इतना बड़ा ओटीएस आपका मिलता है जहां पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह वो कर सकते हैं, कैमरा पर्सन आके आपको आपको दिखाएंगे। साथियों मैंने आपका नीचे के दोनों बेडरूम दिखा दिए, अब हम आपको लेके चलते हैं छत पे तीसरा बेडरूम दिखाते हैं। इसमें कस्टमर ने अपने आपसे भी कुछ काम इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा भी करवाया हुआ है, जैसा कि ऊपर उन्होंने कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा बनवाई है। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं थर्ड बेडरूम दिखा देते हैं। अभी हमारा जो जीना है यहां पर अभी स्टील की रेडी
साथियों ये आपकी अपनी ओपन छत हो जाती है। साथियों अगर आप इसमें देखना चाहते हैं किस तरह से इसका कलर आएगा, तो आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे आपको मकान दिख रहे होंगे जिसमें फैमिली रह रही है। 6 यूनिट पीछे हमने बना के दिया था उसमें भी फैमिली रह रही है, आगे 5 यूनिट हमने बना के दिया था उसमें भी रह रही, उसके पीछे 11 यूनिट बनी थी उसमें भी फैमिली रह रही, इसके बगल में जितनी भी यूनिटें बनी हुई हैं वहां पर रह रही। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, अगर इस 1150 स्क्वायर फीट के मकान की कीमत की अगर कोई कॉर्नर लेता है तो उस पर PLC अप्लाई होगा। वैसे इस मकान की कीमत जो है 55 लाख रुपए बिल्डर ने निर्धारित किया है, प्राइस नेगोशिएबल है। एक बार आप बिल्डर की टेबल पे आप बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताइए, और क्या काम इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए था वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बात कर ले अगर यहां से लोकेशन को लेके, तो 4 बाग की दूरी यहां से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और पॉलिटेक्निक की दूरी लगभग यहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अच्छी लोकेशन पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर आप यहां पे विजिट करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है और आप ये प्रॉपर्टी जरूर विजिट करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। आपका दोस्त सूरज, इजाजत चाहूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक का बटन दबाएं, लेकिन दबाएं जरूर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।